आज मैं रमज़ान स्पेशल सोया कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि झटपट से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नंदा वैष्णव। अपने यूट्यूब चैनल नंदा की रेसिपीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सोया कबाब बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, सोया बड़ी ले ली हूँ मैं, जिसे सोया चंक्स भी बोलते हैं। ये छोटी बड़ी दोनों आकार की मिलती है, तो इसकी सब्ज़ी भी बनती है। हमको बड़ी में पानी डाल करके बढ़िया से इसे उबाल लेना है कि ये अच्छे से नरम हो जाए, उतना हमको उबालना है। तो यहाँ पर मैं कम से कम 8 से 7 मिनट तक इसे उबाली हूँ। तो ये देखिए, ये बढ़िया से नरम हो चुकी है। तो इसे मैं एक बर्तन में खाली कर दूँगी। तो इस तरीके से देखिए, अब हमें निचोड़ लेना होगा, क्योंकि कबाब अच्छा नहीं बन पाएगा यदि इसमें पानी होगा तो। इसलिए इसे अच्छे से निचोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसे हम ऐसे निचोड़ निचोड़ के एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारे सोया बड़ी में से ऐसे ही हमको निचोड़ लेना है। और यहाँ पर देखिए, मैं अदरक ले ली हूँ, थोड़ा आधा इंच से ज़्यादा है। और 8 से 9 कली मैं लहसुन छील के ले ली हूँ। एक छोटी सी प्याज को बड़ा बड़ा काट ली हूँ। 3 मैं हरी मिर्ची ले ली हूँ। तो मिर्ची अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए, मैं जार ले ली हूँ। तो ये जो है ना, इन सबको मैं पीस लूँगी। तो इसे आप दरदरा भी पीस सकते हैं, चिकना भी पीस सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप पसंद करते हैं उसके अनुसार आप पीस सकते हैं। तो बस अब मैं इसे डाल करके पीस ले रही हूँ, और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ मैं। तो बस अब इसे पीस लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये पीस करके तैयार हो चुकी है। तो इसे एक बर्तन में हम खाली कर लेंगे, और इसी जार में हम सोया बड़ी को भी पीस लेंगे। तो बस इसे मैंने खाली कर दी है। अब आइए सोया बड़ी को भी पीस लेते हैं। तो इसे भी अच्छा से हमको चिकना पीसना है। तो बस अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सोया बड़ी अच्छे से पीस चुकी है। तो इस तरीके से देखिए, पीस लेना है हमको। तो ऐसे ही सारे सोया बड़ी को मैं पीस ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं कद्दूकस करके प्याज ले रही हूँ, और उसका पानी निकाल के ही ली हूँ। और 2 हरी मिर्ची को बारीक काट ली हूँ। और यहाँ पर देखिए, कुछ मसाले ले ली हूँ, जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, चाट मसाला, और थोड़ा सा मैं हल्दी का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ले ली हूँ। तो बस इतना ही लेना है हमको। आप यहाँ पर भुना जीरा भी ले सकते हैं, मैं नहीं ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ों को मैं डाल रही हूँ। तो बस डाल दी। और यहाँ पर देखिए, यह है चावल का आटा। इसके जगह पर आप मैदा भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच जितना डाली हूँ। और यहाँ पर देखिए, बेसन भी डाल रही हूँ। तो 2 बड़े चम्मच में बेसन डाल रही हूँ। तो बस अब इसे हम अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। आप चावल के आटे की जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास होगी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, बढ़िया से इसे हमको मिला लेना है हाथ की सहायता से। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा बेसन और 1 चम्मच जितना मैं चावल का आटा और डाल दी। तो बस इसे बढ़िया से हमको मिला लेना है। तो आप इसे किसी भी आकार में बना सकते हैं, जो भी आकार आपको पसंद है। तो देखिए, यहाँ पर लास्ट में मैं धनिया डाल रही हूँ, और धनिया मैं बहुत सारा डाल रही हूँ, इसे टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसे भी, धनिया को भी डालकर अच्छे से बढ़िया से मिला लेंगे हम। और सोया बड़ी की और भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, जैसे इसके पकोड़े की रेसिपी भी मैं पहले डाल चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी रेसिपी है मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तैयार है। तो देखिए, मैं आकार दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, टूथपिक से मैं ऐसे डालकर बना रही हूँ। तो आप चाहे तो बड़े के आकार में भी बना सकते हैं, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए, कितनी आसानी से बन गया है ये। तो एक और बना के दिखा रही हूँ मैं। तो इस तरीके से देखिए, बना सकते हैं। टूथपिक डाल देना है, और बस इसको आकार दे करके ये रेडी है। तो ऐसे ही मैंने सारे देखिए बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, तैयार है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक और बना रही हूँ, सीख कबाब बोलते हैं ना, उस टाइप का भी बना रही हूँ। तो ये दाल घोटनी है, जिसे हम दाल घोटते हैं ना, वही वाली। तो उसी से ही मैं पीछे का जो हिस्सा होता है ना, उसी में डाल करके बना रही हूँ। उससे आकार अच्छा बन जाता है। आप चाहे तो पेंसिल की सहायता से भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं बना रही हूँ, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो ये देखिए, ये अंदर से खोखला होता है ना, तो एकदम अच्छे से सीख जाता है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। तो जैसे आपको मर्जी, जैसे आकार में चाहे आप बना सकते हैं, और ये जल्दी बनता है।
और घर के सामान से बन के तैयार हो जाता है, आपको बाहर से भी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरीके से ये रेडी है, तो बस ऐसे ही मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रकार की मैंने कबाब बना के रेडी कर ली है। तो बस अभी से गर्मा गर्म तेल में हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पे, तो आइए फ्राई कर लेते हैं कबाब को। तो यहाँ पर देखिए तेल अच्छा गर्म है, लेकिन अब मैं स्लो कर दूँगी आज को, नहीं तो क्या होगा, बाहर से तो अच्छे से पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाता है, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है ना। तो बस ये देखिए एक साइड से हो गई थी, तो मैं इसे पलटा रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था ये। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं नाश्ते में। तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो बस अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और जो मेरा एक और प्रकार का था ना कबाब, इसे भी बनाती हूँ। तो इसे भी फ्राई कर लेते हैं, आइए। तो बस इसे भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और मेरे चैनल पे बहुत सारी छत्तीसगढ़ की बस्तर की रेसिपी है, तो आपको पसंद आएगी, एक बार मेरे चैनल पे आकर ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पे आप हमेशा आते हैं, मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए ये भी अच्छे से सीख चुकी है, तो आइए इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। तो देखिए कितना अच्छे से सीख चुका है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए ये बढ़िया से बन के तैयार है, चाहे आप हरी चटनी के साथ खाइए या लाल चटनी के साथ, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो जल्द मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो में एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।